बिल्कुल। एक अच्छा कबड्डी खिलाड़ी बनने के लिए तीन चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। पहली है स्ट्रेंथ, दूसरी जो होती है स्पीड, और सबसे ज्यादा जरूरी है जीतने की जिद। देखिए, मेरा जन्म हुआ था मेरे गांव पलड़ा में। मैं स्थायी रूप से पलड़ा गांव डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव का निवासी हूँ। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो मेरे जो फादर साहब थे वो आर्मी में थे, सुबेदार रिटायरमेंट थे आर्मी से, अभी वो है नहीं। और मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी, है मतलब अभी भी। और हम चार बहन भाई हैं, सबसे बड़ी मेरी सिस्टर है, फिर मेरे भाई हैं, फिर एक सिस्टर है, उसके बाद मैं, मतलब घर में सबसे छोटा मैं था। हमारे गांव में बहुत ज़्यादा तो नहीं था, पर कुछ थे सीनियर हमारे जो कबड्डी खेलते थे, जिनको देख के मैंने कबड्डी स्टार्ट की, या जिनकी वजह से मुझे मतलब इस चीज़ की ललक लगी कि मुझे कबड्डी खेलना है। देखिए, घर का सपोर्ट ज़्यादा नहीं था, पहले तो खेलते थे तो दिक्कत नहीं थी, खेल मतलब खेल स्टार्ट कर दिया, फैमिली इतना ज़्यादा कुछ नहीं बोलती थी। पर जैसे जैसे एज बढ़ती रही ना, और कहीं नौकरी वगैरह नहीं मिली या मैं नेशनल वगैरह नहीं खेला, तो फैमिली थोड़ा सा प्रेशर देने लगी। मतलब मेरे दिमाग में भी यही थी कि हमारे गांव से यार पहले ही कोई कबड्डी का खिलाड़ी इस लेवल तक या नेशनल लेवल या कोई जॉब भी नहीं लगा है, तो मुझे ऐसा लगा कि यार कबड्डी छोड़ के मैं दूसरा गेम करता हूँ। फिटनेस मेरी अच्छी थी, फिटनेस मैं करता ही था, कबड्डी खेलता था तो फिट तो था ही। यदि मैं शॉर्ट पुट पहले भी कर लेता था, गाँव में कई टूर्नामेंट खेलने जाते थे, कई जगह इवेंट होता था शॉर्ट पुट का, मुझे शौक था उसका, मैं कर लेता था थोड़ा बहुत। तो मैंने उसकी ट्रायल दी, ट्रायल आया था, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। मगर उसमें इंडिविजुअल गेम है, वहाँ मेहनत करेंगे शायद हो सकता है कि वहाँ पे कामयाबी मिल जाए। तो शॉर्ट पुट के साथ फिर मैं डिस्कस थ्रो भी करता था, बाद में डिस्कस थ्रो भी करने लग गया था, जेवलिन थ्रो भी था, हैम्बर भी था, पर उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था मेरा इतना, शॉर्ट पुट और डिस्कस में ज़्यादा, दोनों इवेंट में बराबर करता था। पर धीरे धीरे ऐसा लगना लग गया कि यार यहाँ तो इतनी मेहनत जो मैं कर रहा हूँ ना, इस मेहनत से तो यहाँ कहीं कुछ मिलने वाला है ही नहीं। हो सकता है कि कबड्डी में इतनी मेहनत करके, कबड्डी में अगर इतनी मेहनत करूँगा तो शायद कुछ ना कुछ मिल जाए, मगर यहाँ बात बनेगी। मेरा दिमाग और मेंटली भी मैं पूरा ऐसे हो गया था कि भाई यहाँ पे काम चलेगा नहीं, इससे अच्छा तो मैं कबड्डी खेलूँ, कबड्डी में इतनी मेहनत करूँगा तो वहाँ पे टीम गेम है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि मेरा नंबर पड़ जाए। देखिए, 2014 में प्रो कबड्डी लीग का पहला सीज़न आया। हम लोग उस टाइम पे राकेश की बात करें, अनूप कुमार की बात करें, अजय ठाकुर की बात करें, मंजीत छिल्लर की बात करें, बहुत सारे खिलाड़ी थे ऐसे, जसवीर की बात करें, जो पीक पे थे उस टाइम पे। और सच बात तो ये है कि जैसे कि उससे पहले जो हमारे वीडियो शूट वगैरह हुए, इंटरव्यूज लिए गए, तो हमें भी विश्वास नहीं था कि लीग स्टार्ट होने वाली है। हमें भी ये लगता था कुछ नहीं, अरे ऐसे ही है, बस ये ख़त्म हो जाएगा, लीग होगी नहीं। पर जिस हिसाब से लीग हुई ना, पहला सीज़न हुआ लीग का, हम लोग खेले, और अपनी बात करूँ तो मैं मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर था सीज़न फर्स्ट का 2014 में, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। वो लीग खेलने के बाद ना एक अलग ही पहचान बन गई, एक अलग नाम दे दिया लोगों ने या सोशल मीडिया ने, अनूप कुमार बोनस का बादशाह, क्योंकि उस सीज़न में बोनस मेरे बहुत ज़्यादा थे। फिर धीरे धीरे एक नया नाम कैप्टन कूल आ गया, फिर टो टच मास्टर आ गया, तो ये बहुत सारी उपलब्धि जो लीग ने मुझे दी। बहुत ज़्यादा मुश्किल है फैसला, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी कभी नहीं सोचता कि मैं खेलना छोड़ूं, और ये डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत कठिन था। पर एक समय होता है, और समय शायद वो आज ही था, और आज मेरे बेटे का जन्मदिन भी है जी। मेरे बेटे का नाम अभि है, हैप्पी बर्थडे अभि, हैप्पी बर्थडे। और मैंने डिसीजन आज के दिन इसीलिए लिया ताकि हमेशा मैं याद रखूँ। मुझे ये तो याद नहीं मैंने कबड्डी कब स्टार्ट की थी, किस दिन की थी, पर अपनी लाइफ में ये याद रखना चाहता हूँ कि मैंने किस दिन कबड्डी छोड़ा था। एक खिलाड़ी के लिए गेम छोड़ना ना बहुत मुश्किल है, चाहे वो बिल्कुल अगर जीरो भी हो जाएगा ना, तब तक भी ये लगता है, उसको ये रहता है कि यार मैं खेलूँ। और मेरे दिमाग में भी यही था कि यार कबड्डी छोड़ दी तो क्या होगा, एकदम से ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। पर एक टाइम होता है, एक लिमिट होता है, एक एज होती है, और जो मैंने डिसीजन लिया छोड़ने का, शायद सब लोग यही बोलते हैं कि भाई अनूप ने जल्दी कबड्डी छोड़ दी और खेल सकता था एक साल दो सीज़न,
पर मुझे ऐसा लगता था कि भाई अब अगर ज़बरदस्ती करेंगे ना, एक तो मेरे पैर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, मेरे एंकल में इंजरी ज़्यादा हो गई थी, मेरा बोनस का ही गेम था और उसी पैर में इंजरी होना ये भी मेरे लिए थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट था। फिर मुझे ये लगा कि यार अब एक अच्छा नाम दिया कबड्डी ने, एक इमेज बनी है कबड्डी की वजह से, और अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, मैं ज़बरदस्ती खेलूँगा, तो फिर ये लोग ये भी कहने लग जाएंगे यार अनूप तो पैसे के लिए खेल रहे हैं। तो वो एक इमेज ना मैं कंटिन्यूस रखना चाहता था, उस इमेज को कंटिन्यू रख के ना मैं कबड्डी छोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने ये एक बड़ा डिसीजन लिया। देखिए गांव में मेहनत तो करते रहे बच्चे जो भी खेलते थे, परमानेंट खेलते थे, पर यहाँ पे ना तो पर्टिकुलर कोई कोच था, और मैं भी डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद तो पता ही है कितना टाइम मिलता है, सही है, कभी आते थे तो उनके साथ में प्रैक्टिस ही करता था, मैं खेलता था कुछ थोड़ी बहुत, जो छोटे बच्चे होते थे उनको मैं बता देता था कुछ थोड़ा बहुत, जो भी जितना भी नॉलेज मुझे थी, पर इतना ज़्यादा रुझान हुआ कि एक अलग से ये हो जाए कि भाई गाँव में एक ग्राउंड चलता था तो 10 ग्राउंड हो गए, कि बहुत ज़्यादा बच्चे खेलने लगे, ऐसा कुछ नहीं, ना तो जब हुआ ना आज हुआ, आज तक भी नहीं हुआ ऐसा। देखिए पहली बात तो अकेडमी खोलने का मोटिव यही था कि मैं अकेडमी खोल के यहाँ पे प्लेयर तैयार करूँ, क्योंकि अगर फाइनेंशली अगर पैसे की बात करें तो पैसे अगर यहाँ पे जितने मैंने अकेडमी पैसे लगाए हैं, मैं गुड़गांव जैसे शहर में रहता हूँ, अगर इतने पैसे कहीं और लगाता तो शायद वो पैसे ना अब तक डबल या ट्रिपल हो जाते, सोचने वाली बात है, सबको पता है। तो मेरा मोटिव यही है और यही है सिर्फ कि मैं जो हरियाणा में बहुत सारी अकेडमी है जहाँ पे आप अगर कहीं विजिट करेंगे तो देखेंगे कहीं रहने की जगह अच्छी नहीं है, कहीं खाना अच्छा नहीं है, या कहीं प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, कुछ ना कुछ कमी है, मैंने थोड़ा सा उस लेवल से अप लेवल करने की कोशिश की, कबड्डी अकेडमी इसीलिए बनाई कि थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड से काम करें। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि प्लेयर को अच्छी डाइट मिले, अच्छा रहने की जगह मिले और अच्छी कोचिंग मिले। देखिए मैं अपनी तरफ से ना 100% जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा, अकेडमी तो अपनी है इसमें तो मैं 100% अपना करूँगा ही, उसके अलावा जहाँ भी मुझे चाहे अपने स्टेट की बात हो या अपने इंटरनेशनल इंडिया की बात हो, वहाँ पे मुझे कहीं चांस मिले काम करने का या प्रो कबड्डी लीग में काम करने का मौका मिलेगा, तो मैं अपना 101% वहाँ पे दूंगा, जो कुछ मैंने सीखा है कबड्डी से वो मैं प्लेयरों के साथ शेयर करूँगा।